एक कहावत है कि ऊपर वाला सब देता है, यही कहावत आज सही साबित हो रही है। एक दिन पहले नागपुर शहर में दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा ही एक मामला अजनी थाना क्षेत्र में सामने आया है। कुछ ही दिन पहले थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर शस्त्रों से वार कर मारने की कोशिश की थी। ये पूरी CCTV कैमरा में घटना कैद हो गई है। मंगलवार को इन सभी आरोपियों को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजनी थाना क्षेत्र में दोस्त ने ही दोस्त पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। कुछ ही दिन पहले घायल अतुल वर्मा और आरोपी रितेश गवई के घर के छत पर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि रितेश गवई ने अतुल वर्मा को देख लूंगा की धमकी दे दी। इसके बाद अतुल ये किसी काम से किराना दुकान गया। इसी समय रितेश अपने दोस्तों अखिल वांद्रे, गुंजन ढोबड़े, निहाल शंभरकर और किशन के साथ शस्त्रों के साथ पहुंच गया। पहुंचते ही दोनों में फिर एक बार विवाद शुरू हुआ और रितेश ने अतुल पर तलवार और अन्य शस्त्रों से वार कर फरार हो गए। इस हमले में अतुल गंभीर जख्मी हो गया। रितेश और उसके दोस्त वार कर भाग गए, मगर वो भूल गए कि उनकी ये पूरी वारदात पास ही के CCTV कैमरे में कैद हुई है। इसी फुटेज के जरिए पुलिस ने मंगलवार को रितेश गवई, अखिल वांद्रे, गुंजन ढोबे और निहाल शंभरकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले का आरोपी किशन अभी तक फरार है। भगवान नगर एरिया मध्ये अतुल वर्मा नामक एक युवक आहे, त्याला 8 तारखेच्या रात्री 11:30 वाजेच्या सुमारास त्याचेच मित्र आहेत जे ज्याच्यामध्ये रितेश गवई, अखिल वांद्रे, मुंजन ढोबळे, निहाल शंभरकर आणि त्यांचे आणखी इतर दोन मित्र अशा सगळ्यांनी मिळून त्यांच्याकडील धारदार शस्त्रांनी त्याला धाक दाखवून मारहाण केली आणि लाकडी दांडक्याने त्याच्या डोक्यामध्ये मारून त्याला जखमी केले। अशा आशयाची ही घटना घडलेली आहे। या संबंधाने पोलीस स्टेशनला 307 विथ राईट विथ एक्सटॉर्शन प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। या घटनेचं तपास सध्या सुरू आहे, परंतु मूळ कारण असं समजतं की यातील फिर्यादी जो आहे तो आणि त्याचे हे जे आरोपी आहेत हे एकमेकाचे मित्र आहेत। एक दिवस आधी यातील जो मुख्य आरोपी आहे रितेश गवई याचं आणि फिर्यादी जो आहे तक्रारदार यांचं कुठल्या किरकोळ कारणावरून बाचाबाची होऊन वाद झाला होता त्याच्या राहत्या घरी, आणि त्याच्या रागापोटी त्याने हे कृत्य केल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक मानसी, BCN News नागपूर।